नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केविन कोवाड़िया और आज हम बात करेंगे कि 2 दिन बाद 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिन, राइट। ये वही दिन है जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। नाउ यहाँ पे 2 दिन आए, स्वतंत्रता दिन और आज़ादी, राइट। तो आज़ादी का मतलब क्या है? लाइक हर एक के लिए आज़ादी कुछ ना कुछ अलग मायने रखती है, हर एक के लिए वो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, राइट। जिस बंदे को हर टाइम अगर खाना नहीं मिल रहा है तो वो सोचेगा कि अगर मुझे हर समय ठीक से प्रॉपर खाना मिल जाए तो वो मेरे लिए आज़ादी होगी कि मेरे को खाने के लिए इतना सारा वो तकलीफ नहीं उठानी होगी मुझे, तो वो उसी के लिए आज़ादी है। जो बंदा वेल टू डू है, जो अच्छे से वो खा रहा है, उसको जो डेली नीड पूरी हो रही है, तो उसके लिए आज़ादी के मायने को और होगा, राइट। तो हम मेरे आपके लिए सबके लिए आज़ादी का मायना कुछ ना कुछ और रखता है। तो आज मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे यही पॉइंट पे डिस्कस हो रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, राइट। तो उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि एक्चुअली मेरे लिए मैं आज़ादी को कैसे देख रहा हूँ, राइट। आज के दिन जो स्वतंत्रता दिन को 70 साल हो गए, भारत आज़ाद हुआ उसको 70 साल हो गए, तो एक हम एक तरीके से हम डायरेक्टली कोई भी कंट्री की या कोई एक हुकूमत की हम गुलामी तो नहीं कर रहे, हम वैसे लोकशाही देश में हम लोग जी रहे हैं, राइट। बट छोटी छोटी कुछ चीज़ है, राइट, जिसको हम और अच्छी तरीके से हम जी सकते हैं, आज के दिन में भी वो मायने रखता है, राइट। तो मैंने बहुत सोचा तो मुझे पता चला कि जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है और वो है ओपन सोर्स, राइट। तो मैं ये इंडिपेंडेंस डे जो 2020 में है उसको ओपन सोर्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अच्छा, पहले हम बात करें कि ओपन सोर्स है क्या, राइट। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मोस्टली सॉफ्टवेयर में ये चीज़ ज़्यादा फेमस है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नहीं। तो ये ओपन सोर्स टर्मिनोलॉजी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि हर एक एरिया में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ बहुत फेमस है, राइट। मैं अभी सूरत गुजरात में हूँ तो यहाँ के खमन और ढोकला वो बहुत फेमस है, राइट। तो मैं इसी के उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ कि ओपन सोर्स कितना हेल्पफुल है और वो क्या है और क्यों हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए कि ये सूरत में कोई दुकानदार है, वो बहुत सालों से ये खमन का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो वो एक ब्रांड बन चुका है, हम बोलते हैं ना कि एक चीज़ जो काफ़ी लोग उसका जब बखान करते हैं, उसकी चीज़ को पसंद करते हैं और बार बार वही चीज़ खाने के लिए वापस आते हैं, तो वो एक चीज़ ब्रांड बन जाती है, वो नाम से फिर इतने फेमस हो जाती है, राइट। तो बट अभी कैसा है कि हम वहाँ पे जाएंगे, हम उसके कुछ पैसे पे करेंगे, हम उसके बदले में खमन खरीदेंगे, खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। लेकिन वैसे तो बहुत सारे हैं सूरत में जो अलग अलग प्रकार के खमन बनाते हैं, बट वो पर्टिकुलर XYZ ब्रांड क्यों फेमस है, राइट। क्योंकि उनका कुछ रेसिपी है, राइट। वो कितने प्रमाण में हर एक रॉ मटेरियल को लेते हैं, कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड उनका है। वो हम घर पे बनेंगे तो वो शायद ऐसा टेस्ट नहीं आएगा, या उससे अच्छा आएगा, या उससे मतलब अलग आएगा, उतना वैसा टेस्ट आना इतना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रेसिपी और प्रोसेस वो थोड़ा अलग है, वो हम नहीं जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही होता है कि सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग की हुई होती है, राइट। तो नॉर्मली जो नॉर्मली प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है वो कोडिंग को लॉक कर देते हैं, आपको सॉफ्टवेयर यूज करने देते हैं बट कोडिंग आपसे छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी मोनोपोली है, राइट। तो हम उसको टॉप सीक्रेट रखेंगे, लॉक कर देंगे, आपको पैसे पे कीजिए, यूज कीजिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसा सेम जैसे कोई प्रोप्राइटर जो खमन बिजनेस वाला है वो हमसे पैसे लेता है और हमको खमन देता है, जितने चाहिए उतने देता है, राइट। वो कोई मना नहीं करता, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना भी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम दाम पे करके ले सकते हैं। लेकिन वो अपनी रेसिपी और प्रोसेस को नहीं बताता, वो उसको लॉक करके रखता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी मोनोपोली है। तो अच्छा, तो ये हो गया प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पे प्रोप्राइटर एक खमन की रेसिपी हो गई, राइट। अभी मान लीजिए कि कोई एक ऐसा दिन है जिस दिन जो फाउंडर है वो खमन बिजनेस का, उसका जन्मदिवस है या फिर उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, राइट। तो वो बोलता है कि आज के दिन में है ना, मैं मतलब एकदम सस्ते में सबको खमन खिलाऊंगा, 50% डिस्काउंट फ्लैट आज के पूरे दिन, राइट। तो उस दिन भी क्या होगा कि रेगुलरली आप 20 रुपये का जितना खमन खाते थे, आज उतना ही खमन 10 रुपये में खा पाएंगे, राइट। बट पैसे तो आपको पे करने हैं और रेसिपी अभी भी लॉक है। सेम सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही होता है, कभी
कभी कुछ ऐसे बिलियन डे आ गया, या यू नो कुछ दिवाली आ गई, कुछ ऐसा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सॉफ्टवेयर की कीमत कम होती है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनली वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का अगर कोई प्रोप्राइटर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको पे करना पड़ता है, राइट। और मे बी साल में कभी कभार वो थोड़ा सेल के लिए या फिर कुछ रीजन के लिए कंपनी डिस्काउंट देती है, बट अगेन अभी भी उसकी यहाँ पे कोड ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे रेसिपी अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुई, हाँ रेट कम हुआ है, राइट। चलो हम एक ऐसी चीज सोचते हैं कि किसी बंदे ने बोला चलो ठीक है कि भाई हम है ना चलो फ्री में खमन खिलाते हैं, कि भाई कुछ ऐसा दिन आ गया, कुछ भी है आज के दिन पूरा भी जितना खाना है आप यहाँ पे आओ खा के चले जाओ फ्री में। और उसी तरह सामने सॉफ्टवेयर में कैसा होता है, फ्रीमियम वर्जन होता है। फ्रीमियम यानी क्या कि सारे नहीं बट कुछ फीचर आपको फ्री में देते हैं, कोई कोई चीज सारे भी देता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा ग्रुप है कोई सॉफ्टवेयर के पीछे तो उसकी इनकम दूसरे प्रोडक्ट में से है, तो कोई पर्टिकुलर न्यू बिजनेस है तो उसको स्टार्टिंग में लोग यूज करें इसके लिए फ्री में रखते हैं, राइट। अगेन कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर में यूज करने की भी कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर टाइम है तब खमन खाने की भी कोई कोई प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो दोनों भी फ्रीमियम वर्जन पे, बट लेकिन अभी भी यहाँ पे रेसिपी अनलॉक नहीं हुई, यहाँ पे कोड अभी अनलॉक नहीं हुआ, राइट। इसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि जिस दिन वो जो खमन की ब्रांड का ओनर है, जिस दिन उसे सोचता है कि मैं आज ये पूरी रेसिपी ओपन करता हूं, मतलब कैसे कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट कितने परसेंटेज में ले रहा हूं वो मैं सब आपको बताऊंगा, कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, कितना टेम्परेचर रख रहा हूँ, कौन सी सीक्वेंस में यूज कर रहा हूँ, सारी चीज ए टू जेड जो मैं फॉलो करता हूँ आज मैं एक किताब में सारी चीज लिख देता हूँ और वो किताब में ओपन कर देता हूँ सबके लिए, राइट। अभी वो कोई नॉर्मल उपभोक्ता है जो सिर्फ घर पे ही, मतलब नॉट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर पर्सनल यूज के लिए घर के लिए बनाना चाहता है तो भी वो यूज कर सकता है वो बुक पढ़ के। कोई बंदा खमन का बिजनेस नया शुरू करना चाह रहा है, अभी उसको ये इस लाइन में इतना अनुभव नहीं है, तो उसको भी मैं मेरी ये जो किताब है, मेरी जो रेसिपी है, मेरी जो प्रोसेस है, मैं उसको उसको भी दूंगा, वो भी बिजनेस कर सके। हो सकता है कि कल उठ के वो मेरे कंपटीशन में भी आ सकता है क्योंकि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं, लेकिन मुझे बस ये चीज को ओपन करना है, मुझे कुछ भी चीज को लॉक करके नहीं रखना। अगर किसी भी बंदे में दम है तो वो मेरी रेसिपी ले जाकर मुझसे भी बड़ा खमन का बिजनेस कर सकता है, इज इट पॉसिबल, राइट। सेम वे सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका जो कोड है वो ओपन रहता है, उसकी कंपनी की वेबसाइट पे या फिर गिटहब पे कहीं भी वो ओपन रहता है। मतलब मान लीजिए कोई बंदा है जो थोड़ा कोडिंग को जानता है और उसको कोई पर्टिकुलर कोड में कुछ बग यानी कि कुछ एरर, कुछ क्षतियाँ दिखती है, तो वो कोड उसका ओपन है तो कोड में इंप्रूव कर सकता है और उसके ओनर को बता सकता है कि देखिए सर ये जो आपका कोड था उसमें ये एरर थी और शायद ये दोनों लाइन हम चेंज कर देंगे तो ये पूरा जो कोड है वो क्षति रहित यानी बग फ्री हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक वर्जन उसका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबका फायदा है। हाँ देखिए हमने खुद भी चीज बनाई हो लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है कि वो सामने वाले जो यूज करने वाले वही निकालते, हम नहीं निकाल पाते, राइट। टेस्टिंग कभी कभार हम नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में ऑडियंस फ्री में आपको सजेशन दे रही है कि ये जो बग है इसको ऐसे इंप्रूव करना है, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं फायदा इसमें, कि जो एरर थी आपने निकाल दी उसको इम्प्रूव कर दिया, हम अभी क्या करेंगे कि ये एक अभी ओपन सोर्स में नॉर्मली लोग वॉलेंटियरली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग कोडिंग को जानते हैं, राइट, वो वॉलेंटियरली अपना हर एक दिन में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा निकाल के, या तो कोई कोड है कोई प्रोग्राम है तो उसको टेस्ट करते हैं एज ए नॉर्मल यूजर, कुछ बग दिखे तो वहां पे रिपोर्ट करते हैं तो उनकी जो सपोर्ट टीम है उसको इम्प्रूव कर देती है और एक वर्जन उसका आगे चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स है, मतलब वो बनाने के लिए किसी ने 1 रुपया नहीं लिया, उसका जो पूरा कोड है ओपन रखा है ताकि नई जनरेशन जो है वो कोड को समझ सके। एक तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप भी समझो कि ये एक्चुअली कैसे बना है, राइट। अभी हर एक बंदे को हम बोलते हैं कि देर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील, मतलब एक चीज एक बार हो गई तो दोबारा वो इतना टाइम और एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, हम उसमें आगे सोच सकते हैं उसमें इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, हम वो सोच सकते हैं, राइट। तो वैसे भी एक उसका पर्पज हो गया एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है आज की तारीख में, मैं भी यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और आप भी यूज करते होंगे, हो सकता है कि आपको पता ना हो कि वो ओपन सोर्स है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें
तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा लिनक्स और उबंटू, राइट। तो ये जो उबंटू करके ओएस है वो ओपन सोर्स ओएस है, मतलब जो लोग कोडिंग को जानते हैं उनका पूरा एक कम्युनिटी है और हर लोगों ने मिला के ये इसको बनाया है। कोई एक बंदा इसका मालिक नहीं है, कोई एक कंपनी भी इसकी मालिक नहीं है। दिस इज ओन्ड बाय एवरी वन, राइट, ओन एंड मैनेज बाय एवरी वन, एवरी वॉलेंटियर, राइट। तो ये उबंटू जो है, जो एक तो फ्री है, राइट, और उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आ ही रहे, जो भी नई टेक्नोलॉजी या नई इंटरफेस जो मार्केट में आता है तो ये जो वॉलेंटियर है वो इसमें भी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं ताकि जो यूजर है उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, राइट। तो उबंटू हो गया, फिर एक VLC मीडिया प्लेयर करके है जो बहुत ही कॉमन है, राइट, ऑरेंज कलर का एक कैप जैसा उसका सिंबल है, राइट, और इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आप वीडियो प्ले कर सकते हो, ऑडियो प्ले कर सकते हो, वीडियो में भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड जा सकते हो, सबटाइटल ऐड कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी है उसमें। उसके अलावा इंटरनेट ब्राउजर में एक मोजिला फायरफॉक्स, तो ये भी एक ओपन सोर्स है, राइट। वेबसाइट की हम बात करें, वेबसाइट बनाने के लिए तो वर्डप्रेस, वर्डप्रेस करके एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी ओपन सोर्स है, इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में जितनी वेबसाइट बनी है उसकी तकरीबन 38 से 40%, 38 to 40% वेबसाइट ये सॉफ्टवेयर से पावर्ड है, राइट। और अगेन ये जो wordpress.org का जो पूरा कोड है, दे आर ओन्ड बाय ऑल द वॉलंटियर्स, नॉट अ सिंगल पर्सन, राइट, हु इज द ओनर ऑफ दिस थिंग, इट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय एवरी वन, राइट। सो मुझे लगता है कि आई थिंक ये भी एक फ्रीडम है, राइट, ये भी एक फ्रीडम है। तो एक चीज में लगता है कि अगर सारा चीज हम फ्री कर देंगे, राइट, अगर हम पूरी रेसिपी सबको दे देंगे तो फिर हम उसका फाइनेंशियल कैसे, उसमें से अर्निंग कैसे कर पाएंगे? तो क्या ओपन सोर्स के साथ अगर हम वर्क करें तो अर्निंग पॉसिबल है, राइट। तो आई थिंक इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि ओपन सोर्स के, अगर ओपन सोर्स के साथ हम चल रहे हैं तो उसमें अर्निंग भी पॉसिबल है या नहीं है, इतना अच्छा है हम सबको पता है, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे वी नीड टू अर्न समथिंग फॉर लिविंग, राइट, हमारा घर परिवार चलाने के लिए कुछ अर्निंग भी जरूरी है, राइट। तो वो अगर पॉसिबल है या नहीं ओपन सोर्स में, अगर है तो कैसे कर सकते हैं, तो आई थिंक इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और आप, अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फ्रीडम, आपके लिए फ्रीडम क्या है, आप किस चीज को फ्रीडम समझते हो, राइट। और अगर आप भी, आपने भी ओपन सोर्स के बारे में सुना है, आपने भी मैंने जो बताया उसमें से कोई भी ओपन सोर्स को यूज किया है तो बताइए कमेंट में, मुझे बताइए कि आप कौन से सॉफ्टवेयर इतना यूज करते हैं। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि जो बनाने के लिए लोगों ने अपना यू नो बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल के उसमें वर्क किया है और विदाउट एनी यू नो हार्ड कोर कमर्शियल इंटेंशन, और वो चीज़ आज हम यूज़ कर रहे हैं तो कितनी खुशी की बात है, राइट। और आई थिंक धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस आएगी तो ओपन सोर्स का यूज़ भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।